एक्शन एक्शन तो ये है हमारा बैराज का घंटाघर जहाँ पे हम अपना पहला शॉट करने वाले हैं। अब आओगे थोड़ा लू आगे? हाँ बस ये आऊंगा। ये सब करने आती हो? दिमाग खराब है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो हम जा रहे हैं शूट करने अपना यूट्यूब वीडियो, वो भी अपने शहर में। पहली बार मैं अपने शहर में शूट करने वाला हूँ, बहराइच में, बिकॉज इससे पहले मैंने कभी बहराइच में शूट नहीं किया है। जो भी किया है गली वली में किया है, पर इस बार मैं रिप्रेजेंट करूँगा अपना शहर बहराइच। देखना बहराइच कैसा है, बहराइच की जो मेन मेन लोकेशन है हम वहाँ शूट करने वाले हैं। फिलहाल पहला शॉट जो है वो हमारा घंटाघर पे, उसके बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन एंड बाकी शॉट जो है वो अलग अलग जगह पर है। स्टोरी बड़ी अच्छी है, वीडियो देखना मजा आएगा। आई थिंक वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, बिकॉज वो वीडियो आ गई होगी तभी ये व्लॉग आया होगा। तो देखते कैसा शूट होता है, बिकॉज घंटाघर जा रहे हैं, वहाँ पब्लिक प्लेस है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, बिकॉज पहली बार शहर में शूट करने जा रहे हैं। कितने व्लॉग कर लिए अब तक? मेरे को नहीं मालूम, एक भी पोस्ट नहीं हुआ अभी तक। चार पांच ब्लॉग कर चुकी, अभी तक कुछ भी पता नहीं, एडिट हुआ है। मेरा चैनल नहीं बना है। एक चैनल बनाना पड़ेगा, सोनिया की मस्ती। तो भाई एक और ब्लॉग आने वाला है, सोनिया की मस्ती। लो वॉलेट आ गया है, चाबी आ गई है। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं। चलो, ठंड लग रही है? कैसी लग रही है ठंड? बहुत अच्छी। ये देखो, तो सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी, उठने का मन नहीं करता। 4:45 का अलार्म लगाया था और आँख खुली है 6 बजे, और ये हमारी कार खड़ी हुई है, हमारा मोहल्ला जहाँ हम रहते हैं। तो हम अपनी कार से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सोनू भाई की कार से, बिकॉज मेरी कार से पहचानते हैं, और बात कुछ और भी है जो बताना नहीं चाहते। चलो भाई जल्दी, लेट हो गया। 7 बजे का शूट था हमारा और 8 बजने वाले, करीब 7:45 हो गए। धूप ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा बैराज का घंटाघर जहाँ पे हम अपना पहला शॉट करने वाले हैं, एंड यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग होगी, बिकॉज हम स्टार्टिंग ही बैराज से घंटाघर से कर रहे हैं, और ये लोकेशन यहाँ की बहुत फेमस है और आपको दिखेगा भी बहुत अच्छा है यहाँ से। पहले मूवमेंट लेना, हल्का सा पीछे जाना, स्टॉप करना। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पहला शॉट डन हो गया है। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, जो बैराज का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अगर हमें शूट करने को मिलेगा स्टेशन पर तो हम स्टेशन पे शूट करेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर हम वहाँ से अपने घर जाएंगे और ये जो सीन हमने अभी किया है वो कंटिन्यू करेंगे। अपने शहर में शूट करने का मज़ा ही अलग है, बचपन की यादें, अलग अलग जगह। सब मुझसे बोलते थे भाई बैराज में शूट कब करेंगे, फाइनली वो दिन आ गया और हम बैराज में शूट कर रहे हैं। छावनी चौराहा पता भी नहीं चल रहा है, तो ये आ गया अग्रसेन चौराहा, आ चुका है अग्रसेन तिराहा, यहाँ पे मिलती है दारू की बोतल। अरे बंद हो गया, वाह बहराइच में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है क्या? इधर मनाजिर ने कहा कि बंद हो गया, और इधर देसी मदीना। ओ देसी मदीना, वो गली में जा भाई, इंग्लिश बंद, देसी लिखा है, मतलब इससे पता चल गया है इंडिया में विदेशी बंद हो चुकी है, देसी चालू है। तो हम आ चुके हैं बहराइच रेलवे स्टेशन, यहाँ पर हम शूट करेंगे। पहले काम करते हैं अंदर पूछ लेते हैं, अगर अंदर करने को मिलेगा तो ठीक है, वरना हमारा एक शॉट जो है वो बाहर ही हो जाएगा, जिसमें सोनिया जा रही होती है शहर छोड़ के। तो ऐसा एक सीन है, वो हम अंदर ले लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर बाहर ले लेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने मोहल्ले के एक एरिया में जिसका नाम है इंजीनियर कॉलोनी, और यहाँ पर हम तीसरा सीन करने वाले हैं। कार, ये बैकग्राउंड जहाँ पर सोनिया यहाँ से जाएगी स्टेशन, स्टेशन वाला सीन हमारा हो चुका है, अभी हम उससे पहले वाला शॉट ले रहे हैं एंड उसके बाद जो चौथा सीन है वो लेंगे। तो हमारा जो यहाँ का शॉट था वो कंप्लीट हो गया है, जो तीसरा सीन है आई थिंक, ये हाँ ये आई थिंक तीसरा सीन है, तीसरा सीन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम जा रहे हैं चौथे सीन के लिए, जो हमें कॉलेज की अपनी लव स्टोरी दिखानी है वो जाएंगे, पर उसके लिए हमको जाना पड़ेगा चौपाल सागर, वहाँ पे हमें कॉलेज का सीन दिखाना पड़ेगा, काफ़ी सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा बिकॉज कॉलेज का सीन है। और ये देखो कौन आ गया है, ये हमारे धोड़े, धोड़े हाय।
ये बचपन में सब कुछ चेंज हो गया है पर दौड़े कभी चेंज नहीं हुए हैं। दौड़े हाय हाउ आर यू हाँ। तो बहराइच में सब कुछ चेंज हो गया है पर दौड़े चेंज नहीं हुए। दौड़े को जैसे 10 साल पहले देखा था वैसे आज भी देख रहे हैं, है ना दौड़े? चले दौड़े मुंबई चलोगे? बचपन में हम लोग बहुत मस्ती करते थे एंड क्रिकेट खेला करते थे तो दौड़े हमेशा रहता था क्रिकेट में। तो बचपन की यादें हैं, हैं दौड़े याद है? सारा काम जो है करता था दौड़े। दौड़े मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत करता है। जो काम करा लो, जो काम करे वो काम कर लेगा, मतलब बहुत मेहनती लड़का है। ये देखो हमारे यहाँ की बकरी है, इसको जाड़ा लग रहा है तो इसको पहना दिया गया स्वेटर। आ गए हम अपने वापस घर, तो हमारे 3 सीन हो गए, घर आ गए। अभी हमारे जो आगे की शॉट है वो हम लेने जाएंगे चौपाल सागर, देखते हैं वहाँ पे शूट कैसा होता है। अजीम भाई एक्शन, पता करो हर जगह जरा सा मिस्टेक कर दी नहीं था। चलो अच्छा आखिरी बार चार चलो ठीक ये तो नहीं आता तो ना सामने ठीक है। अरे पतली कमर तेरी हाय आया तो बोलो क्या भाई हाँ हाँ जो है शूट करने जा रहे हैं। कौन चाहिए आपको? कौन चाहिए? अब आओगे थोड़ा लू आगे? हाँ बस ये आऊँगा, ये सॉफ्ट चीज़ है ना ये, बस ये। हाँ ठीक है तो अभी हम शूट करने जा रहे हैं बिछिया। बहराइच का हमारा 3 सीन था वो हो गया है, अभी हम चौथा और पांचवा और जो अगली वीडियो है दूसरी वीडियो वो भी हम वहाँ करेंगे। अभी रास्ते में हमें टाइम मिलेगा नहीं तो मैंने सोचा यहीं से डीजल फुल करा लेते हैं। अभी रास्ते में हमको एक जगह पे शूट भी करना है और उसके बाद मेन लोकेशन पे शूट करना है। तो हम पहुंच चुके हैं मीपुरवा और यहाँ पर एक ढाबा है, तो सोच रहे हैं सुबह सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बिकॉज दिन भर शूट है। अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 एंड यहाँ से लोकेशन शायद 35 किलोमीटर और होगा बिकॉज पूरा कतरनिया जंगल से जाना है, रोड बहुत अच्छी नहीं है तो 1 घंटा भी और लगेगा। व्लॉग के कीड़े काट चुके क्या खाओगी आप मेरे को पूछो क्या खाओगी? नहीं नहीं इधर आ दो दो सर, क्या पूछ रहे मेरे से आप? क्या खाओगी? मैं खाऊंगी नहीं, मैं चाय पीऊंगी। तुम पियोगी? आज बारा की फेमस बिरयानी है इसलिए खाने लगे। राधा वाली बिरयानी अकेले अकेले खा लियो भैया, तुम लोग रुक ही नहीं रहे हो, फोन तो कर लेते। हमने कहा पता नहीं टाइम हो या ना हो, हम तो सोच रहे हैं। ए चाय ले लो सब लोग, कुल्लड़ टी में जो मजा है वो किसी पे नहीं है। आप फोन किसका दिया ब्लॉग सोनिया के ब्लॉग्स आने वाले हैं पर कब आने वाले हैं पता नहीं, अभी तक सोनिया ने 5 ब्लॉग बना लिए। तीसरा है। चाय दे दो। मैं नहीं दे रहा, तुम वहाँ से लो, मेरी है। ले लो चाय। ले लो कितनी चाय? हमने बिरयानी नहीं खाया। सोनू भाई ने नहीं खाया, इसने केवल खाया, वो भी एक क्वार्टर। कितने गए? 20 रुपए गए बस। और ले लो। कितने गए? छोड़ो सोनू भाई की जेब से 20 रुपए खर्चा नहीं होता है, सोनिया ने 50 रुपए का खर्चा करा लिया। ये है कतनिया का जंगल, 40 किलोमीटर की एक स्ट्रेट रोड है और साइड में जंगल है पूरा, इधर 20-25 किलोमीटर जंगल, इधर भी 20-25। इसके ना सारे जानवर हैं, शेर हाथी हिरन और भी बहुत सारे। और हम आ चुके हैं बिछिया, हमारा शूट यहाँ पर है पर हमारा सेकंड वीडियो यहाँ पर होगा, इस मज़ार पर भी शूट है हमारा, बाकी सीन हम लोग आगे करने जा रहे हैं वहाँ पर। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है तो शूट में दिक्कत भी हो सकती है, देखते हैं शेडो होगा तो अच्छी बात है वरना फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। शूट स्टार्ट होने से पहले नाश्ता आ गया, हमने रास्ते में ही किया था, अभी घर का भी नाश्ता है करेंगे एंड इसके बाद निकलेंगे। एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या मैनेज करें, जो सोचते हैं वो होता नहीं है पर आ गए कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो ये है गाँव का देसी स्कूल। हेलो, तो ये है गाँव का स्कूल, हम शूट यहाँ कल भी करेंगे, अभी हमारा जो दूसरा सीन है वो हम कर लेते हैं फिर यहाँ पर बाद में करेंगे। अरे ये क्या पिकनिक है? क्या चूल्हा पिकनिक? पिकनिक यार, पिकनिक मंची। तो मतलब पूरा गांव वाला स्कूल है और बहुत ही मस्त है। तीसरी ब्लॉग है अभी, ये क्या तीसरी ब्लॉग है अभी यहाँ पे। खाली अजीम भाई ऐसे करेंगे तो भैया ऑफ उधर देखेंगे भाई, इधर आ जाओ। नहीं ये क्लोज नहीं मिला, खाली तुमको ये देसी भैया मारेंगे। हां दिया था बस, खाली तुम एक्शन
तुरंत ही मुझे देखो एक्शन ठक ठक भैया एक्शन हाँ सुन भाई इन्होंने वन टेक में शॉट दिया फ्लावर बन जाएंगे फ्लावर बन जाएंगे थोड़ा सा हल्का खड़ी करिए हाँ इतना एकदम सामने आपको देखना है लाइक वो मतलब ये लिया ये सुन रहे जैसे ये सुना कमरा हाथ दीजिए हाँ दबाओ कुछ नहीं अपने हिसाब से गोली खुद ले लो देखो कितना बढ़िया सीन है आंसू कैमरे में कहा देखो तो उधर इधर सनसेट टाइम हो चुका है एंड हम आ चुके हैं कैलाशपुरी। यहाँ पे हमारा एक लास्ट सीन है जो कि हम करके फिर वापस चले जाएंगे गांव में बिछिया। दिस इज द लोकेशन। मेरे अकॉर्डिंग ये यूपी का सबसे बड़ा बांध है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर जिस हिसाब से मैंने अभी तक देखा है कैलाशपुरी जो बहराइच में है इससे बड़ा डैम मैंने आज तक नहीं देखा है यूपी में। क्या अभी थोड़ा तो मर जाऊंगा मैं तो दूर नहीं जा रहा। सो इनका पेट जो था 2 इंच बाहर था, अभी 4 इंच बाहर है क्योंकि 4 बाटी दाल बाटी खा के रहे। तो देखो छोड़ो वो तो देखती रहती है, अरे मेरे मुंडे पड़ रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। YouTube की बदौलत परिवार जो मिला है, जो भी मेरा जिंदगी में मेहनत का सिला है, शुक्रिया फैंस का जिन्होंने टूटने दिया नहीं हर एक फैन मेरा मेरे लिए शान से खड़ा है।